हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका अगर प्यार से दीपक बायोलॉजी क्लास है जो हॉस्टेलर में। तो दोस्तों, इस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल फेलोशिप और अदर बैकवर्ड कास्ट का जो भी रिजल्ट आया है उसके बारे में, और देखेंगे कि इसका जो है लाइक इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है उसके क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो आप YouTube पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास इन जॉब्स तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन, चाहे वो लेक्चर वैकेंसी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएससी, पीएचडी रिलेटेड जो भी लाइक अपडेट होता है यूनिवर्सिटी से, उन सब का वीडियोस को, और साथ ही साथ जो है अगर आप बायोलॉजिस्ट के रिलेटेड जो है कंटेंट देखना चाहते हैं जो कि यूजफुल होते हैं आपके एग्जाम, चाहे वो आपका सीएसआई नेट हो, जेआरएफ हो, आईसीएमआर, जेआरएफ, डीवीटी, जेआरएफ, नीट या बीएससी एमएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड कंटेंट और बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पे रेगुलरली देखने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट UGC.ac.in पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है नोटिसेस पे जाना है। जैसे आप नोटिस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है नोटिसेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो नेशनल फेलोशिप और अदर बैकवर्ड कास्ट का जो सिलेक्शन है सीएसआईआर का, और जो एडिशनल थ्रू एनटीए का, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो तो रिजल्ट आया है NFOPC का, ये 1 अक्टूबर को आ गया था। ठीक है, यानी 1 अक्टूबर को रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए हम वो रिजल्ट देख लेते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट NFOPC 2020/2021। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 135 जो कैंडिडेट्स जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस फॉर द ईयर 2020/2021 से लाइक सेलेक्ट किए गए, तो उनका यहाँ पे डायरेक्टली रोल नंबर इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो अगर आपका रोल नंबर इसमें इनमें से है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका रोल नंबर है तो अपना जो है फेलोशिप जो है वो अवेल कर सकते हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन हो गया NFOBC में। तो अगर आप जो है PhD में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो आप अपना अवार्ड लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी अब तक अवार्ड लेटर डाउनलोड करने का लिंक नहीं आया या अभी डाउनलोड नहीं हो तो आप वेट कर सकते हैं कुछ टाइम तक, और उसके बाद जब अवार्ड लेटर डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद जो अपना फेलोशिप वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी PhD में इनरोलमेंट नहीं लिया, तो वो सबसे पहले PhD में इनरोलमेंट लें, यानी इनरोल्ड हों, तो मोस्टली जो है 3 ईयर्स का टाइम आपको दिया जाता है PhD में इनरोल्ड होने के लिए। तो विद इन 3 ईयर्स आपको PhD में इनरोल्ड होना है, और उसके बाद जो है आप अपना जो है अवार्ड लेटर की हेल्प से आप जो है अपना फेलोशिप वो एक्टिवेट करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है तो आप इसके लिए जो है जरूर अप्लाई करिए। ठीक है, अब देखिए गाइडलाइंस ऑफ स्कीम्स के बारे में अगर हम देख लें तो गाइडलाइंस ऑलरेडी जो है वो आप लोग को पता है कि यहाँ पे देखिए जो स्कीम है वो मोस्टली 300 जूनियर रिसर्च फेलोशिप पर ईयर फ्रॉम द ईयर 2015 एंड 300 SRF टू फ्रॉम 2016 2017 टू अदर बैकवर्ड स्टूडेंट। ठीक है, द नंबर ऑफ इंटेक ऑफ GRF हैज बीन इनहेंस फ्रॉम 300 to 1000 पर ईयर। तो ये अभी तक जो है 1000 जो है वो आपको अवार्ड किया जाता है NFOBC का। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो आपके आपने के जो उस पार्टिकुलर ईयर में आपका नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए, UGC का है, अगर आप ह्यूमैनिटी या सोशल साइंस से बिलोंग करते हैं या आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं, आप साइंस से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स या लाइफ साइंस है, तो आपको CSIR नेट GRF क्लियर करना पड़ेगा उस पार्टिकुलर ईयर में, तभी जो है आप एलिजिबल होंगे NFOBC के लिए। अगर आप का नाम जो है लाइक उस पार्टिकुलर ईयर में नहीं आता है तो आप अगले साल आपको दोबारा जो है वो लाइक CSIR UGC नेट GRF का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ेगा कि आपका जो है NFOBC में आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो ये इसमें ऐसा नहीं कि आपने अगर एक बार नेट निकाल लिया तो आपको जो है रेगुलरली जो है आपको लाइक नेक्स्ट ईयर भी आपका जो है सिलेक्शन NFOBC में हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको उस पर्टिकुलर ईयर में जो है आपको जो नेट है वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप जो एलिजिबल रहेंगे NFOBC के लिए। तो एलिजिबिलिटी आपका देखिए ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर लिया कि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग होने चाहिए, और आपका UGC नेट या CSIR नेट एग्जामिनेशन जो है उस पर्टिकुलर ईयर में क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ फेलोशिप 1000 पर ईयर होती है, जिसमें 750 जो है वो UGC की तरफ से होती है, UGC के लिए होती है, UGC रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए होती है। वहीं 250 जो फेलोशिप होती है वो CSIR की रहती है, साइंस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, साइंस स्ट्रीम के लिए। तो टोटल 1000 स्लॉट रहते हैं। तो यहाँ पे तो MPhil PhD, तो यहाँ पे देखिए अगर आप जो MPhil में सिर्फ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको फेलोशिप 2 ईयर्स तक दी जाएगी, PhD में 5 ईयर्स दी जाएगी, इसमें 2 ईयर्स आपका GRF रहेगा, 3 ईयर्स आपका SRF रहेगा। MPhil PhD में 5 ईयर्स रहेगी, इसमें 2 ईयर्स GRF और रिमेनिंग 3 ईयर्स आपका SRF रहेगा। फेलोशिप जो साइंस, ह्यूमैनिटीज,
एंड सोशल साइंस में 31,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर, इनिशियल 2 ईयर्स 35,000 आपका एस आर एफ का रहेगा। कंटीजेंसी ह्यूमैनिटीज और साइंस में 10,000 फॉर इनिशियल 2 ईयर्स, 20,500 फॉर रिमेनिंग 10 ईयर। कंटीजेंसी फॉर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 12,000 पर एन एम फॉर इनिशियल 2 ईयर्स, 25,000 पर एन एम फॉर रिमेनिंग 10 ईयर। ठीक है, तो इसके अलावा आपको एच आर ए भी दिया जाएगा, डिपेंड करता है कि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं कि नॉन मेट्रो सिटी का। आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको 24% आपका फेलोशिप का एच आर ए दिया जाएगा, वहीं अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको 16% जो है एच आर ए वहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ मेंशन कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ और हम पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ठीक है, नोटिफिकेशन जो आया था वो 29 सितंबर 2021 को आया, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपको जो है कैसे अपना अवार्ड लेटर डाउनलोड करना है। तो अगर आप अवार्ड लेटर अपना डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको www.ugcnetonline.in पर जाना है, और यहाँ पर जो है जाके आप जो जो अवार्ड लेटर है वो आप जो है वो लाइक डाउनलोड कर सकते हैं। द फेलोशिप विल पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट ऑफ ज्वाइंट सी एस आई यू जी नेट 2020 एग्जामिनेशन, डेट 24 फरवरी 2021 के बाद ही जो है आपकी फेलोशिप जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ वेन देव इफ अ कैंडिडेट ऑलरेडी टेकन एडमिशन फॉर एम फिल पी एच डी थ्रू रेगुलर विद फुल टाइम मोड इन एनी यू जी सी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ट्यूशन। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी जो है वो आपने रजिस्टर कर लिया है पी एच डी में, इनरोल्ड हो गया एम फिल या पी एच डी में, तो विद इन 3 मंथ जो है आपको अपना फेलोशिप जो है उसके लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपने अभी तक कहीं भी लाइक रजिस्टर नहीं किया, रजिस्ट्रेशन आपने एडमिशन नहीं लिया पी एच डी या एम फिल में, तो आपको 3 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा। तो फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ अवार्ड लेटर, तो विद इन 3 ईयर्स जो है आपको अपना जो फेलोशिप है वो एक्टिवेट करना कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पी एच डी इनरोल्ड होना है विद इन 3 ईयर्स, उसके बाद अपना आप फेलोशिप जो है वो जो है स्टार्ट लाइक अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ इन्होंने एनेक्चर मेंशन कर रखे, तो आपको कैसे जो अपना फेलोशिप जो है आपको एक्टिवेट कराना है, तो यहाँ पे ये जो है फॉर्म मेंशन कर रखा है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट तो इसे आपको फिल करना है, करी सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन ये फिल करना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करते हैं सर्टिफिकेट और आपको लाइक फॉर्म मेंशन कर रखे, तो आपको इस फॉर्म को जो है फिलअप करना है, और अपने एडमिन सेक्शन में फेलोशिप सेक्शन के जो होते हैं उनमें लोग, तो उनको आपको जो है अपना डिटेल देना है, और उसके बाद जो है अपना फेलोशिप जो है वो एक्टिवेट करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इन्होंने एन टी के थ्रू भी कुछ सिलेक्शन किया, वही मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नेशनल फेलोशिप ऑफ अदर बैकवर्ड एन एफ ओ बी सी 2021 सिलेक्शन एडिशनल थ्रू एन टी ए, तो वो तो आपका सी एस आई के थ्रू हो गया था, यहाँ पे आप एन टी के थ्रू भी जो है उन्होंने कुछ जो है लोगों को सेलेक्ट किया, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए यू जी सी नेट जून जो कि एन टी ए ने कंडक्ट कराया था उसके थ्रू भी कुछ लोगों को यहाँ पे रजिस्टर लाइक जो है वो सेलेक्ट किया गया, तो आप यहाँ पर भी अपना रोल नंबर जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपका जो है रोल नंबर इसमें कहीं है तो नहीं, अगर आपका है तो अभी आप जो है एन एफ ओ बी सी के लिए क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैंने आपको सब मेंशन के लिए, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।